ज़रूर आपके दिमाग पे क्वेश्चन ज़रूर आती है कि आप भी Xiaomi की सर्विस सेंटर पे आप भी क्या हालचाल है, क्या आप भी पहले उससे जैसा भीड़ है, क्या अभी कौन से मोबाइल को अभी सर्विस सेंटर पे ज़्यादा प्रॉब्लम लेके जा रही है। तो यही सब हम लोग जानने के लिए आज फिर से सर्विस सेंटर विजिट करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर दो, क्योंकि आपके पास ऐसे वीडियो हर रोज आता रहता है। और उससे पहले एक बार मेरे नाम भी जान लो, तो मेरी नाम है बलराम गौरा और आप सब देख रहे हम सब लोगों का यूट्यूब चैनल टेनिक बलराम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देते तो मैं फिर से सर्विस सेंटर विजिट करूंगा जिससे मुझे बुलाया गया सर्विस सेंटर पे, मतलब कि मुझे X3 प्रो के बदले में मुझे 10 प्रो दिया जाएगी। तो वही चीज आप फिर से एक बार जानने के लिए मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भाई अभी भी सोच रही है कि सर्विस सेंटर पे अभी शायद कोई भी भीड़ नहीं है और सबकी मोबाइल ठीक हो चुकी है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस सेंटर बिल्कुल खाली है, फाका है, आप जाओगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा के आ जाओगे, तो भाई घर में डोरेमोन देख के सो जाओ, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी आप जैसे देख सकते हो तेज धूप के अंदर हम लोगों को मास्क पहना के यहाँ पर बुलाया, मतलब कि सब कुछ जान के आया हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मगर फिर से हम लोगों ने विजिट किया कि देख के आते हैं। चलो आप सब लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो तो सर्विस सेंटर को एक बार विजिट करना तो बनती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ कितने रकम की है और सबकी प्रॉब्लम यहाँ पर अलग अलग है, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोको X3 प्रो नहीं है और भी बहुत सारे नए नए मोबाइल डेट हुई है अपडेट की वजह से। और ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हो ये सिंपल से एक एग्जाम्पल है, सर्विस सेंटर के बाहर भी बहुत सारी भीड़ ऐसे लगी हुई है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि अभी यहाँ पर सीन क्या चल रही है और कौन से मोबाइल यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पर पोको X3 प्रो, पोको X3 ये सब यहाँ पर कम नजर आ रही है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि ऑलरेडी सबकी मोबाइल डेट हो गई है और अभी डेट होने में कोई मोबाइल यहाँ पर बाकी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर में जो स्मार्टफोन आ रही है, जिस स्मार्टफोन पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और डेट हो रही है वो है 10 प्रो। मतलब आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो, जिस जिसको पोको X3 प्रो के बदले या फिर X3 के बदले 10 प्रो दिया जा रही है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको रिप्लेसमेंट कर रखा है। तो अभी रिप्लेसमेंट करके जो फ़ोन लिए है वो है 10 प्रो। तो ज़्यादातर फ़ोन अभी 10 प्रो सबके पास आ चुकी है। तो यहाँ पर अभी जो डेट की जो नज़र में आ रही है वो है 10 प्रो, मतलब कि अभी देख सकते हो कि यहाँ पर 10 प्रो डेट हो रही है। तो सिंपल सा लॉजिक आप लोगों ने ज़रूर समझ लिया है कि देख सकते हो कि जो फ़ोन उनको दिया जा रही है वही फ़ोन स्मार्टफोन डेट हो रही है। और यहाँ पर और एक पोको की स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा नज़र में आ रही है वो है M2 प्रो। पता नहीं क्यों M2 प्रो की जो यूजर है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की दिमाग रखती है। यहाँ पर एक भाई और एक बहन आई है जिन्होंने एक वेबसाइट की मदद ली थी एक अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब कि जो एंड्रॉयड 12 और MIUI 13 जो अपडेट है इनको नहीं मिली थी और X3 प्रो यूज़र को मिल रही थी। तो इसीलिए शायद सोचा है कि यहाँ पर किसी वेबसाइट की मदद ले ले। तो यहाँ पर सिंपल से इन्होंने इंस्टॉल कर लिया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो उनके मोबाइल प्रॉब्लम जब नहीं आई थी तब उनकी जो बहन थी उनके मोबाइल पर भी इंस्टॉल कर लिया था और बाद में जाकर दोनों मोबाइल पर सेम प्रॉब्लम नजर आई। दोनों मोबाइल सिंपल से डेट तो नहीं हुई मगर डिस्प्ले ब्लर हो चुकी है। तो जब मैंने उनको अच्छे तरीके से पूछा कि आपको ये वेबसाइट कहाँ से मिला, तब उन्होंने कहा कि एक यूट्यूबर थी जिनकी वीडियो देख के मैंने लिंक पे क्लिक किया था और लिंक पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड किया था। तो एक भाई यूट्यूबर को भी कहना चाहूंगा कि ये सब लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मत डालो, आपके चैनल पे भी इफेक्ट पड़ेगी। और एक चीज मैं M2 प्रो यूजर को भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों की इस अपडेट को लेने में इतना ज्यादा जल्दी क्यों है, अगर जल्दी है तो थोड़ी बहुत आप वेट कर लो, क्योंकि जल्दी की काम जो है वो शैतान की है। जैसे कि इन भाई दोनों ने यहाँ पर प्रॉब्लम झेल लिया है और आपकी फ़ोन में इंस्टॉल किया था सही किया था, मगर उनकी बहन की भी सेम फ़ोन थी और उनके भी इंस्टॉल कर दिया और दोनों अभी आ चुके हैं सर्विस सेंटर पर इतने ज़्यादा गर्मी में, मतलब कि सब कुछ आप समझ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम बीत रही है उनके साथ। तो ऐसे आप अदर वेबसाइट के अंदर ये सब अपडेट डाउनलोड मत कर लेना, आपको बाद में बहुत ज़्यादा तगड़ी लेवल की प्रॉब्लम आने वाली है। और वेबसाइट वालों को भी कहना चाहूँगा, आप ऐसे वेबसाइट क्यों बना रहे हो जिससे किसी मोबाइल डेट हो जाए, किसी के मोबाइल पे प्रॉब्लम आ जाए, तो उनकी क्या है, उनको सिंपल से वेबसाइट पे क्लिक होने के बाद ही पैसा मिल जाती है। तो वो सब फंद में आप मत पड़ जाना भाई लोग। तो यहाँ पर इतना ज्यादा लेवल की स्मार्टफोन आ रही है कि ये लोग रेस्ट लेने के लिए भी समय नहीं पा रही है, इसीलिए ये लोग कंप्यूटर को छोड़ के ही भाग जा रही है। और एक रूम है जहाँ पर एक रेस्ट रूम रहती है इन लोगों की अलग पर्सनल, तो वहाँ पर जाके एक अच्छे टाइप के बैठ जाती है और मोबाइल यूज कर रहा होगा वहाँ पर। और ये बात सिर्फ और सिर्फ M2 प्रो यूजर को मैं नहीं कहना चाहूंगा, सभी यूजर को मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपडेट के लिए इतना जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अपडेट सबको मिलेगी, धीरे धीरे सबको मिल जाएगी। और बहुत सारे पोको X3 प्रो यूजर खुश हो रही है कि एंड्रॉइड 12 और MIUI 13 मिल गई तो आपके मोबाइल बहुत ही सही चल रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आई है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पोको X3 प्रो को ले आ रहे हैं, मगर 2-4 बंदा आ रही है इस पोको X3 प्रो लेकर कि MIUI 13 की अपडेट कंप्लीट करने के बाद डेट हो गया। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, Xiaomi की फोन बिल्कुल किसी भी साइड से सेफ नहीं है, यहाँ पर आपके मोबाइल पर प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं झेलना नहीं पड़ेगा। तो और कुछ भी नहीं कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बाय।